नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज उत्कर्ष साइंस चैनल में। विश्व भूगोल के अंतर्गत आज मैं एक टॉपिक लेकर के आऊँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए। इसमें हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। पठार क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, पीछे एक मैप बना हुआ है जो है विश्व का भूगोल, विश्व का मैप है। विश्व के मैप में आप देख रहे हैं प्रमुख पठारों को मैंने बताया है। इनको आप एक मैप में आप इनको नोट कर लीजिए, या एक तरफ देश और सामने पठारों को चार्ट वाइज भी आप इनको बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पठार कोई पठार दरअसल पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो आपके दिमाग में आगे उच्चावच क्या है, उच्चावच का मतलब आप भारत का जब या कहें विश्व का जब मैप देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है, सबसे पहले आपको दिखते हैं महासागर, और महासागरों के साथ साथ आपको दिखेंगे महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या प्राथमिक उच्चावच हैं जो आपको पहली नज़र में दिखते हैं। फिर थोड़ा सा आप जब थोड़ा ध्यान में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप उसको पर्वत दिखेंगे, पठार दिखेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पठार आते हैं। पर्वत और पठार में बेसिक डिफरेंस यही है कि पर्वतों की जो ये मान लीजिए जैसे ये है, ये क्या पर्वत है, और इसी का जब इसका जब पट जब इसका जब या कहें इसकी जो ऊंचाई है या इसका जो तल होता है, या कहें कि जब ये क्या होता है ऊपर से नोकदार ना होकर के सपाट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पठार भी कई प्रकार के होते हैं। पठार दिमाग में आता है कौन कौन से पठार होते हैं, तो आइए देखते हैं पठार होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जिसका सिर सपाट हो उसको हम पठार कहते हैं। ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, अगर जो ऊंचाई है तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्वत इतना इतना ऊंचा ही हो, लेकिन जो पठार हो उससे ज़्यादा ऊंचा हो तो, लेकिन अगर जो जिसका शीर्ष से ऊंचा नहीं है, शीर्ष अगर जिसका सपाट है वो पठार के अंतर्गत ही आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं पठार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले याद रखिए पठारों के प्रकार की जब मैं बात करूँगा तो दिमाग में आता है अंतर पर्वतीय पठार, और आप देखेंगे गिरिपात पठार, ज्वालामुखी पठार। इन सभी पठारों के जब नाम सुनते हैं तो आखिर ये पठार हैं कैसे, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे कि पठार है क्या। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिरिपात पठार के बारे में। गिरिपात पठार है क्या, मान लीजिए जैसे कोई ये पर्वत है, ये क्या है कोई पर्वत है, पर्वत के एक पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं। तो इसके यहाँ पे जब कोई पठार स्थित हो इसको क्या बोलेंगे, गिरिपात पठार। ये कोई पठार हो, ये कोई पर्वत हो, इसको बोलेंगे गिरी के पाद। पाद मतलब पैर, मतलब किसी पर्वत के पैर पर स्थित पठार को क्या बोलेंगे, गिरिपात पठार कहेंगे। तो इसके दूसरी तरफ आखिर क्या होगा, दूसरी तरफ या तो कोई मैदानी क्षेत्र हो सकता है, या तो कोई जलीय राशि हो सकती है, समुद्र वगैरह भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गिरिपात पठार कहते हैं। गिरिपात पठार के अंतर्गत आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपको पैटागोनिया का पठार, मतलब ब्राज़ील अर्जेंटीना का पैटागोनिया का पठार, आप किस कैसा कैसा उदाहरण है, गिरिपात पठार का ही उदाहरण है। दूसरा है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब है किसी पर्वत के चारों तरफ से जब कोई पठारी पठार स्थित हो, तो अंतर पर्वतीय उनके बीच में कोई पर्वत हो, मतलब बीच में पठार हो चारों तरफ से पर्वत, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंतर पर्वतीय पठार। जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ऊपर देखेंगे तो क्यूनलून से ली, दक्षिण में आप देखेंगे तो हिमालय, उन्हीं के बीच में बिल्कुल है पठार, उसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। मतलब वो किस में आएंगे, अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आएंगे। तीसरा टॉपिक आता है कि आखिर ज्वालामुखी पठार, मान लीजिए जैसे कोई जलीय राशि है, मान लीजिए क्या है कोई जलीय राशि है, जलीय राशि में कोई ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा तो उसका लावा बाहर निकलेगा, जब ज्वालामुखी लावा बाहर निकलेगा तो सतह पर जम जाएगा, तो एक द्वीप के तौर पर बन जाएगा। जब एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देते हैं ज्वालामुखी पठार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे जैसे कोलंबिया का पठार ले लीजिए, भारत का दक्कन पठार ले लीजिए, सबके ज्वालामुखी से निर्मित पठार हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, ब्राज़ील के पठार वगैरह सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये मुख्य पठारों के आप कह सकते हैं पार्टीशन जब हम करते हैं तो उनमें आते हैं पठार कौन कौन से पठार हैं। अब हम देखेंगे मैप में, विश्व के मैप में पठारों की हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पठार हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पठार ऊँचाई पर भी हो सकता है, धरातल के नीचे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पठार हैं। तो शुरुआत करेंगे यूएसए से। यूएसए में हम देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखेंगे यहाँ से खैर इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ऊपर कनाडा नीचे यूएसए है। तो यूएसए में देखेंगे तो कोलंबिया का पठार, फिर कोलंबिया के पठार के नीचे देखेंगे तो ग्रेट बेसिन दिखेगा, और ग्रेट बेसिन के नीचे देखेंगे तो कोलोराडो का पठार दिखेगा। ये दरअसल नदियों द्वारा बनाए गए, काट पीट के नदियाँ बना दी, इसको पठार कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी बहती चली गई, जब नदी बहेगी तो सीधी बात है वो गार्ज का निर्माण कर देगी, फिर केरन बन जाएगा। तो जब वो क्या होगी, नीचे बनने लगेगी, मान लीजिए इसकी दो शाखाएँ हो गई और इस तरीके से हो गई, तो ये क्या हुई, ये वाला पोर्शन क्या कहला है, पठार कहने लगता है, क्योंकि उसका धरातल क्या सपाट है लेकिन गहराई में है, तो क्या पठार कहलाता है। इसी तरह नदियों ने, नदियों की घाटियों ने क्या किया, यहाँ पे पठारों का निर्माण किया। जैसे यहाँ पे कोलंबिया की, कोलंबिया नदी ऊपर बहती है और कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक नदी है, जो
इस क्षेत्र में क्या करती है, एक पठार का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं कोलंबिया का पठार, यूएसए में स्थित है, याद रखेगा। उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन पड़ता है, ग्रेट बेसिन के नीचे आपको कोलोराडो देखने को मिलेगा। इन तीनों पठारों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रेट बेसिन पड़ेगा, ग्रेट बेसिन के बाद कोलोराडो, कोलोराडो के बाद कोलंबिया, कोलंबिया सबसे छोटा है। फिर कोलोराडो का जो पठार है कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। आप जान रहे हैं कोलोराडो नदी जो गिरती कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाजा प्रायद्वीप, बाजा प्रायद्वीप के पास में ही गिरती। खैर मैं नदी बता नहीं रहा हूँ इसलिए उसकी चर्चा मैं इसमें नहीं करूँगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पिडमांट पठार और ओजार्क पठार है। तो ये चीज़ याद रखिए, इतने पठार यूएसए में स्थित हैं, इसने पठार कितने यूएसए में स्थित हैं, कौन कौन से, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, ओजार्क, पिडमांट। कनाडा में एक है लॉरेंसिया का पठार, ये आप देख रहे हैं उनगांव प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, वहीं पे स्थित है लॉरेंसिया का पठार, ये याद रखिएगा। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा मेक्सिको, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मेक्सिको है। यूएसए और मेक्सिको की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे चियापास पठार है, चियापास का पठार। दरअसल मैंने जब मेक्सिको की भूगोल मैंने बताया था, मेक्सिको का भूगोल जो मैं बता रहा था विश्व भूगोल के अंतर्गत, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, चियापास पठार के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से सियरा माद्रे है, और सियरा माद्रे के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसे मैक्सिकन प्लेटू भी कह सकते हैं, यहीं पर चियापास पठार स्थित है। एक तरफ दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है सियरा माद्रे, एक तरफ दूसरी, एक तरफ ये बीच में स्थित है चियापास पठार। उत्तर अमेरिका में इतने ही पठार हैं। फिर हम आएंगे दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे हैं, तुम देखते हैं कौन कौन से। एक है गुयाना का पठार, गुयाना का पठार गुयाना है, सुरीनाम है, वेनेजुएला के क्षेत्रों में आदमी पड़ता है, गुयाना का पठार याद रखेगा। और यहाँ पर पड़ता है बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार आप देखेंगे ये भी अंतर पर्वतीय पठारों के अंतर्गत आएगा। एंडीज के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित खूबसूरत से पठार है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कई जो यहाँ पे जो सिटी वगैरह हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, बोलीविया के पठार के आसपास का। बोलीविया की राजधानी लापाज वगैरह देखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और आप वीडियो वगैरह अभी आप यूट्यूब वगैरह पर कहीं देखेगा तो आपको काफ़ी खूबसूरत सा शहर है लापाज। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे माटा ग्रासो का पठार है, और नीचे देखेंगे तो बोरबोरगा पठार है, दोनों ब्राज़ील में ही है, माटा ग्रासो, बोरबोरगा। पैटागोनिया का पठार कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र में अर्जेंटीना में, एंडीज के पश्चिमी क्षेत्र में, सॉरी एंडीज के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इधर के पठार खत्म होते हैं, आते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में भी कई सारे पठार स्थित हैं, कौन कौन से हैं उन सभी को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अफ्रीका में सबसे पहले देखेंगे तो अदमामा का पठार है और जाडो पठार है, अदमामा का पठार और जाडो पठार, ये दोनों नाइजीरिया में स्थित हैं। जाडो पठार काफ़ी थोड़ा हाईलाइटेड था, याद रखिएगा जाडो और अदमामा का पठार। फिर नीचे बाई का पठार है, अंगोला में पड़ता है, अंगोला राजधानियाँ वगैरह सबके आप याद रखिए। फिर कटंगा पठार जाम्बिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, तो आप देखेंगे कांगो जाम्बिया के आसपास, यहाँ से आप देखेंगे कई फेमस नदियाँ निकलती हैं, इवन उनको भी नदियों के नाम भी आप याद रखिएगा, जैसे जाम्बेजी हो गई, कांगो नदियाँ इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हैं कटंगा के पठार से ही, ये भी इंपॉर्टेंट है जाम्बिया में। फिर अबिसिनिया पठार इथियोपिया में, अबिसिनियाई शासक हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं या कहें कि ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं, तो अबिसिनिया भी आप याद रखिएगा कहाँ पर, इथियोपिया में। फिर एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तासिली पठार, तासिली पठार, तासिली, तासिली पठार कहाँ, ये भी अल्जीरिया में स्थित है, तासिली पठार ये भी याद रखिएगा, तासिली पठार अल्जीरिया में ही स्थित है। और आप यहाँ देख रहे हैं मेसेटो का पठार, आप जान रहे हैं रूस की राजधानी मैड्रिड जो है वो मेसेटो के पठार पर स्थित है, आइबेरिया प्रायद्वीप है, आइबेरिया प्रायद्वीप में ये मेसेटो का पठार स्थित है। इसमें ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, जब आप मैप में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन क्या है, आइबेरिया प्रायद्वीप। अगर जो आपने मेरे विश्व भूगोल के वीडियो देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने महाद्वीपों को लेकर के कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एक एक महाद्वीप को एक एक देश के वाइज मैंने बताया है कि कौन कौन से, आइबेरिया प्रायद्वीप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, यूके वगैरह, और इन सबको एक एक टॉपिक को मैंने विस्तृत रूप से बताया है। अगर जो आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल देखते हैं मेसेटो का पठार याद रखिएगा, स्पेन में। अनातोलिया का पठार टर्की में, अनाटोलिया, इसे अनाटोलिया कहते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे बास्पोरस और डार्डेनल्स की जलसंधियाँ भी अनाटोलिया प्रायद्वीप के आसपास ही, मतलब यही स्थित हैं। ये ऊपर ब्लैक सी, नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन सी है, तो अनाटोलिया प्रायद्वीप कहाँ, टर्की में स्थित है, याद रखिएगा टर्की में। फिर हम आएंगे भारत में, भारत में दक्कन प्लेटू जान ही रहे हैं, दक्षिण भारत का पूरा पठार दक्कन पठार। और ये देख रहे हैं पोतवार पठार है, पोतवार पठार आप जान रहे हैं ये काफ़ी फेमस है, पोतवार पठार पाकिस्तान में है, याद रखिएगा पाकिस्तान में। फिर लुएस का पठार चीन में है, अब जान रहे हैं लुएस का पठार, अब जान रहे हैं मध्य एशिया की जो मिट्टी है उसको हवा बहा करके लेकर चली जाती है और वहाँ पे क्या करती है, एक मुलायम मिट्टी के रूप में यहाँ क्या कर देती है, स्थापित कर देती है। तो इससे क्या हुआ, एक पठार का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं लुएस का पठार। ये विश्व में सबसे ज़्यादा, मतलब एक सबसे विस्तृत क्षेत्र में स्थित लुएस मिट्टी का ये पठार है, याद रखिएगा लुएस पठार। इसके बीच से होकर के नदी निकलती है जिसको हम, उस नदी को हम बोलते हैं वांगो, इसलिए पीली नदी बोलते हैं क्योंकि मिट्टी मुलायम सी है और इसे बहा करके लेके चली जाती है। इस क्षेत्र से बहती है तो नदी भी पीली हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पीली नदी बोलते हैं, वांगो नदी। हुको जलप्रपात इसी पे स्थित है।
तिब्बत का पठार और पामीर का पठार, ये दोनों ही तिब्बत में ही स्थित हैं, याद रखिएगा। तिब्बत वर्तमान में चीन का हिस्सा। फिर यहाँ पे सान पठार देख रहे हैं, सान पठार कहाँ है, म्यांमार में है। और कोरट प्लेटू, कोरट पठार जो है वो थाईलैंड में स्थित है, थाईलैंड। इनते पठार थे, याद रखिएगा। एक किम्बरले का पठार है, किम्बरले का नाम सुनते ही हमें दक्षिण अफ्रीका की याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि कोई हीरे की खान है। खैर वो भी सही है, लेकिन जब बात करेंगे पठार की तो वो गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। वो कहाँ पे है, किम्बरले में है, किम्बरले मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्थित। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आप देखेंगे जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्या है, किम्बरले पठार है। काफ़ी ज़्यादा देखेंगे तो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पे कई आदिवासियाँ वगैरह निवास करते हैं। पूरा इलाका पूरा वीरान सा है, तो ये हरा भरा सा वीरान सा आपको देखने को मिलेगा किम्बरले का पठार, और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये पठारों के ऊपर वीडियो है, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे मैं शॉर्टकट वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें जैसे हो गए विश्व के प्रमुख मैदान वगैरह हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊँगा, मैदान वगैरह। और भी जो विश्व के प्रमुख जैसे नदियों के किनारे शहर हैं, किसी ने कमेंट किया था वो बता दीजिए, प्रमुख बंदरगाह वगैरह क्या हैं, उन सब के बारे में, विश्व का परिवहन कैसे चलता है, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।